मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं चार चार बार पांच पांच बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री का कि दरभंगा का ऑल इंडिया रिसर्च मेडिकल साइंसेज के लिए 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाए कि ना, जवाब दिए जाए कि ना। मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं चार चार बार पांच पांच बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी पांच साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बन करके तैयार भी हो गया, ये स्थिति हुई है। लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है, फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है, हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा। हर दृष्टि से आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने, लेकिन क्या सोच के किया? बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाए कि ना, जवाब दिया जाए कि ना। और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में, कहा है कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा हुआ, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए हैं।